नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से कोई भी अनजान लोग अगर आपके फोन को टच करेंगे तो साथ ही साथ यह पर अलार्म बज जाएगा। यह दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ऐप है। तो दोस्तों क्या होता है, हम हमारे फ़ोन को कहीं पर रख देते हैं और हम जो है कुछ भी करने चला जाते हैं, परंतु हमारे फ़ोन को कोई भी टच कर सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कोई भी आपके फ़ोन को टच करेंगे साथ ही साथ ये अलार्म जो है बच जाएंगे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको जो इस टाइटल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐप के डाउनलोड, तो इस लिंक पे क्लिक करने का होगा और उस लिंक पे क्लिक करने के साथ साथ आप जो इस साइड में चले जाएंगे। और इस साइड में आने के बाद मैं एक छोटा सा आर्टिकल लिख चुका हूँ, चाहे तो आप इस आर्टिकल को पढ़ के आप जो है पूरी चीज़ को समझ सकते हैं या फिर नीचे डाउनलोड के इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप जो इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद अलाउ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, तो फिर से नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ। और यहाँ पे आपको जो भी परमिशन देना है आपको यहाँ पर सिंपली दे सकते हैं, जो भी आपके सामने आएंगे आप यहाँ पर परमिशन दे दीजिएगा। उसके बाद इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और अपने कुछ सेटिंग को यहाँ पर चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए साउंड, तो साउंड के ऑप्शन में आपको कौन सा वाला साउंड चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये वाला साउंड है। उसके बाद देखिए आपको कितना साउंड चाहिए आप यहाँ पर जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको वाइब्रेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ऊपर लूप सिंगर चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आप यहाँ पर से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सर्वर टाइम 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद बाद ये होते रहेगा, ये बंद होने का नाम नहीं लेगा। उसके बाद देखिए पासवर्ड सेटिंग, तो यहाँ पर कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो कोई भी बंदा अगर आपके फ़ोन को टच करता है उसके बाद उसको ऑफ करने की अगर कोशिश करते हैं तो ये आप अगर यहाँ पर जो भी पासवर्ड या फिर पिन सेट कर देंगे उसको डालना होगा, उसके बाद ही वो इस अलार्म को बंद कर सकते हैं। या फिर अगर वो अगर उस पिन को यानी कि पासवर्ड को नहीं डालेंगे तो यहाँ पर इस अलार्म को नहीं बंद कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर पिन डाल दीजिए, कोई भी यहाँ पर पिन आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पिन डाल देता हूँ 1 2 3 4, उसके बाद कॉन्फर्म करता हूँ 1 2 3 4, उसके बाद ओके की इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर पिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी देखिए ये चीज़ जो है सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। तो कोई भी अगर आपके फ़ोन को टच करते ये साथ ही साथ अलार्म बज जाएगा, और साथ ही साथ जो वो अगर बंद करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर पिन मांगेगा, सही से पिन देना होगा, उसके बाद ही इसको ऑफ कर सकते हैं। तो पिन सिर्फ आपको ही पता होगा, तो इसको आपके सिर्फ कोई भी बंद नहीं कर सकता है। तो चलिए अभी हम जो है इसको बैक करते हैं। तो सेटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली यह उसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यह देखिए ऑन ऑफ, तो आपको इस ऑन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऑन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर देखिए ये अभी जो है यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं क्योंकि मेरा जो फ़ोन है मेरे अभी हाथ में ही है तो ये इसलिए यहाँ पर देखिए बच जाता है, आसानी से बच जाता है। तो मतलब आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया जाता है और एक बहुत ही अच्छा एक मज़ेदार एप्लीकेशन है। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ कहीं पर रख कर यहाँ पर बताता हूँ। तो जैसे कि मेरा फ़ोन को अभी बिस्तर पर रख दिया, तो अभी जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिए 3 2 1, उसके बाद ये स्टार्ट होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको टच करता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टच करने के साथ साथ यहाँ पर हॉर्न बज जाते हैं। तो दोस्तों शायद ही आप लोगों ने यहाँ पर देख चुके होंगे कि यहाँ पर टच करने के साथ साथ यहाँ पर हॉर्न बज जाता है और ये बंद होने का नाम नहीं लेता है। और मैं अगर यहाँ पर वॉल्यूम की पे प्रेस करने के बाद इसको वॉल्यूम को अगर कम करने की कोशिश करता हूँ फिर भी ये नहीं बनता है, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पर कम नहीं होता। तो मुझे यहाँ पर इसको ऑफ करने के लिए ओके पे क्लिक करना होगा और सही से पिन देना होगा, उसके बाद ही ये स्टॉप होगा। तो एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इतने, बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।